तो हाँ जी, क्या हाल है? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, एक्चुअली दिल्ली से बॉक्स आया हुआ, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। तो इस बॉक्स में क्या है उसको अनबॉक्स करके देखेंगे अभी, और जुड़े रहना मेरे साथ वीडियो में एंड तक, क्योंकि एक स्पेशल मैसेज अनि भैया के लिए भी है और टर्बो एक्सट्रीम की जो टर्बो फैमिली है उस पूरी फैमिली के लिए एक मैसेज है। तो बने हुए वीडियो में मेरे साथ एंड लेट्स रोल द इंट्रो। हाँ तो यार, कैसे हैं आप लोग? तो आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। तो अभी हम बॉक्स जो आया हुआ है वो आया है दिल्ली से, और वो भेजा है एक्चुअली शिवम ने, एक्स टीम टर्बो एक्सट्रीम। और ये एक्चुअली बॉक्स पड़ा हुआ था टर्बो एक्सट्रीम यानी कि अर्नी भैया के पास। तो थैंक यू अर्नी भैया इतने टाइम तक सामान रखने के लिए अपने पास। और चलो जल्दी से देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या है आइटम्स। एक्चुअली कुछ आइटम्स तो मेरे को पता है ना कि क्या क्या है, बट कुछ आइटम्स का पता नहीं है। तो जल्दी से देखते हैं कि इस बॉक्स के अंदर एक्चुअली क्या है इस पिटारे के अंदर, वो चेक करेंगे। तो चलो, तो ये है एक 46 वाली कैप, ये है आपके नी गार्ड्स, ये है आपका बॉडी आर्मर, ये है आर्म 5 का सीट काउल, जिनको पता होगा सीट काउल क्या होता है, एक्चुअली सीट के ऊपर लगता है। ये है आपकी स्टॉक विंडशील्ड, एक्चुअली ये मेरी बाइक की विंडशील्ड है पहले से, तो ये अर्नी भैया के घर पे पड़ी हुई थी। तो थैंक यू अर्नी भैया और थैंक यू शिवम संभाल के रखने के लिए। स्टॉक वाइजर है, और मेरी मानो मैंने सारे वाइजर यूज़ करके देख लिए तो स्टॉक वाइजर सबसे बेस्ट है। एंड एक विंगलेट पड़ी है, तो इस विंगलेट को मैं मोस्ट प्रोबेबली अपने फ्रेंड अर्पित को दे दूंगा, राइड फ्रॉम हिल्स, तो उसको दे दूंगा क्योंकि उसकी बाइक ब्लू है। ये सब आइटम्स थी, और चलो कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी वो भी करते हैं, पर उससे पहले चाय पी लेते हैं। A few moments later. तो थैंक यू शिवम ये सारा सामान भेजने के लिए, एंड थैंक यू अनि भैया ये सारा सामान जो मेरी बाइक का था ये आपने अपने रूम पे रखा था, तो थैंक यू उसके लिए भी। एंड अब बात करते हैं टर्बो एक्सट्रीम फैमिली से। तो एक्चुअली अब पीछे जैसे मैंने एक वीडियो देखी किसी अंकल की, वो कह रहे थे कि टर्बो एक्सट्रीम फास्ट राइड करते हैं, और वो मतलब एक हिसाब से लोगों को गलत डायरेक्शन दे रहे हैं। पहले तो मैं उन अंकल को बोलना चाहूंगा कि एक्चुअली आप वीडियो के स्टार्टिंग में इतना बड़ा डिस्क्लेमर लिखा होता है उसको पढ़ लिया करो। अर्नी भैया को कितने साल बाइक चलाते हुए हो गए वो उनको पता है, नहीं पता होगा तो आपको उनसे पूछ लेना, वो कितनी बाइक्स राइड कर चुके हैं, कितना एक्सपीरियंस उनके पास, वो सब आपने एक बार उनसे पूछ लेना। अब बात करते हैं यार टर्बो फैमिली की। तो ऐसा है यार, आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया भैया को, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड आपको देखो महंगी महंगी एक्सपेंसिव बाइक्स दिखती होंगी चैनल पे, कार्स दिखती होंगी, वो सब चीज़ें दिखती होंगी,
बट जैसा कि भैया बोलते हैं वर्क हार्ड टू लिव लार्ज, तो मैंने खुद देखा हो इनको कि सुबह वो 3 बजे उठ के शूट पे जा रहे होते हैं, तो 3 बजे जब हम सब लोग सो के सपनों में बिल्कुल टाइट नींद में, मतलब हम 6 बजे नहीं उठते हैं तो 3 बजे तो बहुत बड़ी बात है, तब वो काम कर रहे होते हैं। 3 बजे वो सुबह उठते हैं एंड दिन भर फिर वो ऑफिस एंड शाम को फिर फ्री होना। तो हार्डवर्क को देखो यार आप लोग, ठीक है, अगर आप हार्डवर्क करते हो तो ऑब्वियसली आप भी सक्सीड करोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एंड अब आ जाते हैं मेन पॉइंट पे कि बड़े टाइम से कंट्रोवर्सी चल रही है कि शिवम कहाँ है, कमेंट सेक्शन में देखना हमने, शिवम कहाँ है, शी द सुपर बाइकर कहाँ है। तो देखो यार एक चीज को आप याद रखो, अर्नी भैया की पर्सनल लाइफ भी है कुछ चीज़ है, ठीक है, प्रोफेशनल लाइफ ही नहीं है कि आप जो यूट्यूब पे देखते हो सिर्फ वही लाइफ नहीं है, अपनी पर्सनल लाइफ का भी ध्यान रखना पड़ता है और हर चीज यूट्यूब पे डालना काफी मुश्किल होती है, ठीक है। अब वो कुछ मोमेंट्स डाल सकते हैं, सुबह शाम तक दिखा सकते हैं। अब ये है कि शिवम ने क्यों क्विट किया वो उसका पर्सनल मैटर होगा, अर्नी भैया का उससे कैसा रिलेशन है वो आप लोगों को नहीं पता, जरूरी नहीं है कि आपको ऑन स्क्रीन वो साथ नहीं दिखाई देने तो उनके रिलेशंस खराब हैं, जरूरी नहीं है कि सीधा सुपर बाइकर आपको उनके साथ नहीं दिखाई दे रही अर्नी भैया के साथ तो रिलेशंस खराब हैं। तो ये मिसकंसेप्शन बनाना बंद किया करो और इन सब चीज़ों से दूर रहो यार। तुम ये देखो कि वो सुपर बाइक्स राइड करते हैं तो कैसे राइड करते हैं, अच्छा अगर आप राइड देख रहे हो कि वो 300 टच कर रहे हैं, ठीक है, अब उस बात पे आते हैं कि 300 अगर टच कर रहे हो तो उनका एक्सपीरियंस कैसा है। पहली बात है उनका हाथ बिल्कुल प्रॉपरली बैठा हुआ उस बाइक, दूसरी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज राइडिंग गियर्स, अर्नी भैया जब भी राइड करते हैं स्पीड पे उनके राइडिंग गियर्स देख लेना, ऐसे आप यूट्यूबर्स को देख के एकदम से कॉपी करना शुरू कर दोगे ये कोई सेंसिबल बात नहीं है, ठीक है। आपका एक्सपीरियंस लेवल कहाँ है और अर्नी भैया का एक्सपीरियंस लेवल कहाँ है वो अलग अलग डिपेंड करता है, ठीक है। अब कोई जरूरी नहीं है कि ऑन स्क्रीन नहीं दिखा रहा तो ऑफ स्क्रीन ऐड नहीं करता होगा कोई फास्ट, कोई भी यूट्यूबर ले लो आप, जरूरी नहीं है कि ऑफ स्क्रीन वो फास्ट नहीं ऐड करता। तो ये सब चीजें ना मतलब दिखाने और छुपाने की बात होती है। अब जो भी पर्सनल इश्यूज हैं भी या नहीं है वो आप लोगों को नहीं पता होगा पहली बात, दूसरी बात यह है कि आपको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है। मेरी फैमिली में अगर कुछ इशू आता है या आपकी फैमिली में कोई इशू आता है तो आप ऐसा नहीं कि पड़ोसी को जाके बताओगे यार ये प्रॉब्लम हो गई घर पे और ये सब, उसको अंदर अंदर सॉल्व किया जाता है। तो आई होप कि अर्नी भैया क्या भी अगर कोई इशू होगा तो वो सॉल्व करेंगे, ऑब्वियसली उसमें आप टर्बो एक्सट्रीम फैमिली को टांग घुसाने की जरूरत नहीं है, उसमें आप आराम से कंटेंट देखो, एंजॉय करो, सबको फुल सपोर्ट करो, टर्बो एक्सट्रीम को सपोर्ट करो, सीधा सुपर बाइकर को सपोर्ट करो, इजीली सपोर्ट करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये कॉन्ट्रोवर्शियल चीजें मत उठाया करो कि हाँ ये लड़ाई हो गई, ये आ गया, ये वो आ गया, हम वीडियो नहीं देखेंगे। मतलब कमेंट सेक्शन में थोड़ा ना यार देख के कमेंट किया करो, ऐसा है कि कमेंट सेक्शन में सारे लोग पढ़ रहे होते हैं तुम्हारे थॉट्स, ठीक है। और YouTube में ये भी पता लग जाता है कि एज ग्रुप कौन सा है, मैक्सिमम एज ग्रुप जो होता है बाइक्स वाली वीडियो देखने का वो 18-24 होता है, तो थोड़ा ना यार रिस्पेक्ट दिया करो। दूसरी बात है यार अच्छी चीजें सीखो, किसी से भी सीख रहे हो अच्छी चीजें सीखो। अब टर्बो एक्सट्रीम से तुम हार्ड वर्क करना सीखो ना, वो क्यों नहीं सीख रहे तुम मैं उनसे मिला हूँ कई बार तो वो कितने डाउन टू अर्थ बंदे हैं वो मुझे पता है ना, या फिर जो भी आपका टर्बो एक्सट्रीम फैमिली का उनसे मिला है टर्बो फैमिली का मेंबर तो उनसे आपने पूछ लेना कि वो नेचर वाइज कैसे हैं, वो आपको बता देंगे। तो फिर फालतू की कॉन्ट्रोवर्सीज मत क्रिएट किया करो। एंड देन आसपास के लोग ये सब कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, देखो जब आप सक्सेस पहुंचने लगते हो तो आसपास के लोग आपको नीचे खींचना शुरू करते हैं, वो आपकी सक्सेस से जलते हैं, सिंपल सी बात है। तो ये सब का ध्यान में रखो और टर्बो फैमिली फुल सपोर्ट करो अर्नी भैया को,
एंड सीधे सुपरवाइजर को भी, और ये फालतू के मैटर्स में मत पड़ो कि यहाँ ये वो साथ क्यों नहीं है, या फिर ये सब क्या हो रहा है, कौन नहीं आ रहा, शाजिम कहाँ है, अपना एडिटर, वो सब चीज़ें छोड़ो, वो सब चीज़ों में पढ़ो ही मत आप लोग। आप सिंपली ये ध्यान रखो कि हमने अर्निंग वजह से क्या सीखना है, अर्निंग वजह से हार्डवर्क करना सीखना है, जो टिप्स वो देते हैं वो अप्लाई करना सीखो, ठीक है। हमेशा ये कार और सुपर बाइक ऐसे नहीं आती, सोए सोए नहीं आती, ये सब चीज़ें ना हार्डवर्क कर इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, ठीक है। वो भी ऐसे एक रात में नहीं आ गया। अगर आप सोच रहे होंगे कि हाँ आज रात को मैं सोया, कल सुबह उठ के मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए, और बहुत हार्डवर्क लगता है इस चीज़ में, शूट करने में, एडिट करने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, वेस्ट तो नहीं बोलेंगे, जिसको शौक है वो करेगा, ऑब्वियस सी बात है, टाइम निकालेगा वो। तो यही मैसेज है मेरा आप टर्बो फैमिली के लिए कि सबको फुल सपोर्ट करो और ये सब कॉन्ट्रोवर्सीज में मत पड़ो। और वो जो अंकल की वीडियो आई थी, एक अंकल ने वीडियो बनाई हुई कि आपके उनके बच्चे सीख रहे फास्ट राइड करना, अर्निंग वजह ये नहीं दिखाते, वो नहीं दिखाते। देखो पहली बात है, आप फ़ोन दे क्यों रहे हो बच्चों को, ठीक है। मैं 12th के बाद जब कॉलेज में था तब जाके मुझे फ़ोन पकड़ाया गया था, और आजकल के बच्चों को फ़ोन आप ऐसे पकड़ा देते हो, ठीक है। फ़ोन में कोई कई चीज़ें होती है यार, पर्सनल ऐसे नहीं पकड़ा दिया करो हर कहीं। और दूसरी चीज़ है ना, ये ऑनलाइन कंटेंट है तो आप अच्छी चीज़ें भी देख सकते हो, ज़रूरी नहीं है वही चीज़ें देखनी है, और ज़रूरी नहीं है कि आपको टर्बो एक्सट्रीम को ही टारगेट करना। और भी बहुत सारे राइडर्स हैं, टर्बो एक्सट्रीम ने तो डिस्क्लेमर भी डाला होता है, 10 आर ऑन स्टीरॉयड्स देख लेना कभी आप, मैक्स रिस्क देखना कभी। तो ये सब फुल गैस पे राइड करते हैं, फुल थ्रॉटल पे, बट उनका एक्सपीरियंस और राइडिंग गियर्स और रोड कंडीशंस कैसी है वो आपको नहीं पता है, उनको हर मोड का पता होता है, वो रोज़ उस रोड पे राइड कर रहे हैं तो वो रिस्क ले रहे हैं। तो आप ये सब रिस्क मत लो, सिंपल एंड स्ट्रेट सी बात है। इन दैट मैं यही बोलूँगा कि थैंक यू शिवम इस सब सामान के लिए, और लव यू ब्रो, एंड थैंक यू अर्नी भैया। और अगर किसी को अर्नी भैया की ऐसा लग रहा हो कि मैं अर्नी भैया को नहीं जानता हूँ या फिर ये सब, तो आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक आएगा, मेरी वीडियो है उसमें, जाके चेक कर लेना, अर्नी भैया के साथ ही है। तो एनीवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू शिवम, थैंक यू सो मच, बहुत ज़्यादा जरूरत थी मेरे को इस सामान की, एंड थैंक यू सो मच दिल्ली में से यहाँ पहुँचाने के लिए। थैंक यू अर्नी भैया, इतने दिनों तक आपके सामान पड़ा हुआ था ये, थैंक यू सो मच। तो चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव सी वीडियो में, तब तक के लिए राइड हार्ड, राइड सेफ, और जैसा मैंने बोला, स्टे अवे फ्रॉम कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक्स, ठीक है। ये सब कॉन्ट्रोवर्सी मत पढ़ो, व्यूज इससे ज़्यादा आते बट कॉन्ट्रोवर्सी से मत पढ़ो। और अर्नी भैया अगर कैसा कुछ इश्यूज हैं तो वो खुद सॉल्व करेंगे, वो हमें बताने की जरूरत नहीं है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, या किसी और पर्सन को बताने की जरूरत नहीं है। अर्नी भैया है, वो खुद अपनी लाइफ समझ सकते हैं, हमसे काफ़ी बड़े हैं वो, और ही इज़ मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। तो तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राइड हार्ड, राइड सेफ, एंड चाय एंजॉय करने दो यार, चाय ठंडी हो गई, बाय। और एक क्लिप देख लो जिसमें मैं ये पहनूंगा और राइड कर रहा हूँ, बताना कि कैसी लग रही है यार, बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है फिर, ओके, टेक केयर, राइड एंड राइड सेफ एंड बाय, चीयर्स, बाय। तो यार ऐसी कुछ लुक है अभी, जैकेट के साथ और ये नी गार्ड्स, आई होप विजिबल होगी, नहीं ये देखो यहाँ पे, एंड एक बार हेलमेट के साथ चेक करते हैं इसको कैसी लगेगी। रुको दूर जाते हैं थोड़ा, ये देखो पहले तो यहाँ पे कुछ भी नहीं थे राइडिंग गियर्स, तो अभी काफ़ी बेटर लग रही है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे मैश है, तो बाजू वाले एरिया और चेस्ट वाले एरिया में, तो मैश से ऐसा है कि गर्मियों में काफ़ी बेटर रहेगा राइड करना। चलो मैं हेलमेट लगा के आता हूँ, फिर मिलते हैं।